देश आज तो अनलॉक एक दी शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सरकार ने कई रियायतां देन दा ऐलान भी किया है। हालांकि वधदे कोरोना मामलों के मद्देनजर सावधानी ते सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान पहला नालों ज्यादा जरूरी हो गया है। देश विच कोरोना संक्रमितों की गल की जाए तो बेशक ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पर एक गल भी सच है कि इस तो संक्रमित लोगों के ठीक होने का आंकड़ा भी खुशी देने वाला है। जे गल की जाए तो इस वक्त भारत च कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश च इस वक्त कुल 8400 नवे मामले सामने आए हैं, जिन्हां चो 230 लोगों की मौत हो गई है। यह देश विच कोविड-19 के मामलों का नवा रिकॉर्ड है। मंत्रालय की साइट से दी गई जानकारी अनुसार देश च खबर लिखे जाने तक कोरोना के मरीजों की संख्या 1,90,535 पहुंच गई है। देश भर च हुण तक 93,322 मामले एक्टिव हैं, 91,819 मरीज इस बीमारी तो ठीक भी हो चुके हैं। उधर ही देश च कोरोना नाल मरण वालों का कुल आंकड़ा 5,394 तक पहुंच गया है। बीते एतवार की गल करिए तो बीते एतवार लगातार दूजा दिन रहा जदों देश च कोरोना संक्रमितों की संख्या च 8,000 का वाधा रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़े पिछले 2 महीनों तो रिकॉर्ड तोड़न वाले हैं, जिते एक दिन छे लगभग 8400 मामले दर्ज हुए ने। देश च सब तो ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जिथे पीड़ितों की संख्या 65,000 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र तो बाद दूजे नंबर ते तमिलनाडु है, जिथे एक दिन च हुण तक 938 मामले नवे आउण नाल पीड़ितों की संख्या 21,184 पहुंच गई है। गल करते हाँ पंजाब की। पंजाब च भी इस वक्त कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंजाब च भी आए दिन कोरोना मरीजों की गिनती च इजाफा हो रहा है। पंजाब च इस वक्त कोरोना मामले की गल की जाए तो 31 मई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हुण तक पंजाब च कुल कोरोना के 87,852 टेस्ट किए गए हैं, जिन्हों चो 2,263 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं अते 231 एक्टिव केसिस हैं। इन्हां चो 1987 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ते जे तुहानू मरण वालियां दी गिनती दसीए तो मरण वालियां दी संख्या इस वक्त 45 हो गई है। तुहानू ए भी दस दिए कि 31 मई शाम 6 बजे तक रोपड़ तो 7 नवे मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि होशियारपुर, मोगा ते बरनाला तो एक एक मामला रिपोर्ट किया गया, जिस नाल रोपड़ च हुण कोरोना मामले 8 हो गए ने, होशियारपुर च 4, मोगा अते बरनाला च 1-1 हो गए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब च 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार दे दिशा निर्देशों अनुसार लॉकडाउन च कुछ होर ढिल देने का भी ऐलान किया है। भावें माहिरां ने इंडस्ट्री अते मॉल्स नूं ना खोलन की हिदायत दी है, पर कैप्टन ने कहा है कि सूबा सरकार वालों लॉकडाउन 5 लई केंद्र सरकार दे दिशा निर्देशों नूं ध्यान विच रखते हुए अगला कदम चक्या जाएगा। बाजार, मार्केट कॉम्पलैक्स ते रेड़ी मार्केट च भीड़ रोकण लई डिप्टी कमिश्नरां नूं अधिकार सौंपे गए हन। कैप्टन ने लॉकडाउन ते कोरोना तो बचण लई जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना ना करन ते सख्त कार्रवाई करन दे भी आदेश दिते हन। मुख्यमंत्री ने दस्या कि 17 मई तो 28 मई तक कुल 36,820 लोगों के चलान कटे गए, जिन्हां ने मास्क नहीं पाए हुए सन, अते कुल 4,032 मामले थुकन वाले लोगों दे सन, अते हुण तक कुल 503 FIR भी दर्ज हो चुकियां हन। दिल्ली दी गल करिए तो 19,844 मामलों नाल दिल्ली इस वक्त तीजे नंबर ते है। दिल्ली विच हुण तक कुल 1,295 होर नवे मामले सामने आए हन, जिस नाल कोरोना दे मरीजां दी गिनती वध के 19,844 हो गई है। ते मरण वालियां दी गिनती एक दिन यानी कि एतवार च ही 57 रिकॉर्ड कीती गई। जेकर गल कीती जाए दिल्ली च कोरोना वायरस नाल हुण तक मरण वालियां दी, तां हुण तक कुल 473 लोकां दी मौत हो चुकी है, नाल ही 403 लोग कोरोना तो ठीक भी हो गए हन। कोरोना वायरस नाल प्रभावित होए हुण तक 8,478 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली विच हुण कुल 10,893 मामले एक्टिव हैं।
दिल्ली च लगातार वधदे मामलों के मद्देनजर एहतियात के सारे तौर तरीके वरते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना के मामलों की वधदी गिनती नूं देखते हुए ट्वीट किया है ते कहा है कि इस तो डरन की कोई लोड़ नहीं। मैं तुहानू विश्वास दिलाना हाँ कि कोरोना वायरस तो तुहाडी सरकार चार कदम अगे है। दिल्ली के हालातों नूं देखते हुए केजरीवाल ने दसिया कि कोरोना नाल संबंधित एक ऐप भी बन गई है जिस नूं अज लॉन्च किया जाना है। इस ऐप च दिल्ली के अस्पतालों बारे जानकारी मिलेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस अस्पताल च किन्ने बैड खाली हन अते किन्ने वेंटिलेटर मौजूद हन। उते ही देश दे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश च कोविड 19 दे संक्रमण तो ठीक होने की दर 47.76% हो गई है अते पिछले 24 घंटे दौरान 4614 मरीज ठीक हुए हन। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार ने कोविड 19 तो बचाव ते इस दे प्रकोप नूं रोकण लई राज्य अते केंद्र शासित प्रदेशां दे योगदान नाल कदम चके गए हन जिन्हां दी लगातार समीक्षा कीती जा रही है। इस वक्त देश दे लगभग 90,000 लोकां नूं चिकित्सा निगरानी च रख्या गया है। देश च लगातार वध रहे कोरोना मामलियां ने जिथे देशवासियां अते सरकार नूं परेशानी च पा के रख्या है उते ही दूजे पासे इस बीमारी ने साडी जिंदगी च वी कई बदलाव लियांदे हन ते साडी सोच नूं बदल के रख दिता है। होर ताज़ा तरीन अपडेट्स लई देखते रहो ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉइड जां आईओएस ते फ्री विच रोकू अते अमेज़न फायर टीवी ते जां एप्पल टीवी ते नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।